आज हम लोग सीखेंगे और आज इस चीज़ पे बात करेंगे जो कि चोकिंग की प्रॉब्लम आती है हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारे फ्रिज में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो चोकिंग की है और सारे टेक्नीशियन इसी चोकिंग की वजह से परेशान है। इसी चोकिंग की वजह से वो लोग काम करने जब जाते हैं तो उनके माइंड में एक चीज़ सेव रहा करता है कि कहीं चोक ना हो जाए सिस्टम, कहीं सिस्टम की पाइपें जाम ना हो जाए, फिर से कहीं ना फिर काटना पड़ जाए पाइपें, फिर फ्लेक्सिंग कहीं ना मारनी पड़ जाए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि आपके पास बस नॉलेज हो, एक बार में गैस चार्ज करेंगे 100% सिस्टम कूलिंग करने लगेगा। तो कंपनी किस चीज़ के लिए कहती है कि हाँ भाई इस तरीके से काम करेंगे आप तो आप परफेक्टली सिस्टम में कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं। जो कंपनी का रूल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है जिससे कि ये चंद मिनट की वीडियो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपके काम में क्वालिटी ला सकती है, आपके काम में अच्छा परफॉर्मेंस ला सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो दो गलतियाँ इसमें होती हैं ये बहुत बड़ी गलती है और इसके वजह से ही सिस्टम चोक होते हैं। फर्स्ट गलती ये है कि हम लोग पाइपों को फ्लक्स करते हैं, मतलब एवापोरेटर की पाइप को फ्लक्स करते हैं, कंडेंसर की पाइप को फ्लक्स करते हैं, सफाई करते हैं, बस इसलिए कि उसके अंदर जो आयल है वो जो कचरा है वो बाहर निकल जाए, इसलिए हम लोग फ्लक्सिंग करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो आप सबसे ज़्यादा किस्सा करते हैं सब, इसका जो आपका फ्रीजर है, फ्रीजर का फ्लक्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और फ्लक्सिंग करते हैं उसमें से कुछ आयल निकलता रहता है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए एक चीज़ कि जो सिस्टम की पाइपें हमारी हैं ना वो दो चीज़ों के लिए बनाई गई हैं, मतलब दो सिस्टम की जो हमारे फ्रिज और मतलब जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, मतलब ठंडी करने वाली मशीन है, उनके पाइपों को दो चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब एक तो गैस और दूसरा आयल। गैस और आयल के अलावा कोई भी इस पाइप के अंदर नॉन कंडेंसेबल गैस आती है तो फिर ये चोक हो जाएगा। ना ये आयल से चोक होगा ना ही गैस से चोक होगा, मतलब आयल और गैस अगर इसके पाइप में दौड़ते हैं तो फिर ये चोक नहीं होगा। फिर चोक कैसे हो जाता है? लोग बोलते हैं ना कि आयल चोकिंग हो गई है, तो मैं बता दूं कि ये जब कंप्रेसर चलता है तो जब इसका आयल हीटअप होता है, ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो उसके अंदर से, आयल के अंदर से कुछ वैक्स निकल जाते हैं, कुछ वैक्स बाहर आ जाते हैं, जिसके ज़रिए से जब वैक्स यहाँ पे जा करके यहाँ से देखिए, मान लीजिए वैक्स ये यहाँ से बन रहा है और यहाँ से जाते हुए धीरे धीरे ये वैक्स जो है कि जाते हुए यहाँ पे भी तो यहाँ तो नहीं जमेगा, यहाँ पे भी नहीं जमेगा, जमेगा कहाँ, जहाँ पे ठंडा पाएगा। मतलब ये वैक्स समझ लीजिए कि एक मोस्चर का काम कर रहा है, नमी का काम कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे जाके इन होकर यहाँ से निकलना चाहेगा ना, तो यहाँ पे इस फ्रीज की स्टार्टिंग में देखिए इसलिए कूलिंग करता है, जैसे ही वो पानी मतलब वो वैक्स वो मॉइस्चर जैसे ही यहाँ पे जम जाता है, जा करके बर्फ़ बन जाता है, तो फिर कूलिंग यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो जब जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ का टेम्परेचर जीरो से भी कम होता है, माइनस में इस फ्रीजर का टेम्परेचर होता है, मतलब इस एवापोरेटर का टेम्परेचर माइनस में होता है। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है तो यहीं पर वो मॉइस्चर जो रहेगा, जो वैक्स रहेगा वो जम जाएगा, जिससे कि ये पाइप अब ब्लॉक हो गई, मतलब कैपिलरी पाइप ब्लॉक हो गई और ये आगे अब गैस नहीं जा पा रही, ये चोक हो गया। जैसे ही फ्रीजर में बत्ती मारेंगे, मतलब कि जैसे उसमें हीट देंगे जैसे ही ब्लू लैंप से गर्म करेंगे इसको वहाँ कैपिलरी के पास, तो तुरंत ये मोस्चर पिघल जाएगा और फिर दोबारा से गैस चलने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्चर की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर जो आयल से वैक्स निकल के गया है वही चोकिंग कर रहा है। तो इस आयल के वैक्स को कैसे निकालेंगे? फ्लेक्सिंग करके कभी नहीं निकाल पाएंगे। लोग क्या करते हैं कि इस एवापोरेटर, देखिए कुछ लोग तो इसी कंप्रेसर से मार देते हैं फ्लेक्सिंग, तो इसको आपको हवा में एकदम नहीं चलाना है, ये बस आपके गैस को पंप करने के लिए बनाया गया, ना कि एयर को। एयर से अगर इसको फ्लेक्सिंग इसी कंप्रेसर से करेंगे तो ये आपका कंप्रेसर का आयल डस्टी हो जाएगा, पानी उसमें मिल जाएगा क्योंकि नमी होती है एयर में, और जब उसको पंप करेगा कंप्रेसर तो उसकी नमी इसके आयल में ही रह जाएगी और बहुत सारे जो गैस और उसके बाद फिर जो इसमें रह जाएगी। और फ्लेक्सिंग करने से क्या होगा कि इसमें बहुत सारे एयर में जो इसका जो पाइप है इसमें बहुत सारी नमी चली जाती है अंदर। तो आप जब फ्लेक्सिंग मारते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर के कैपिलरी पे देखिए किस तरीके से फ्लेक्सिंग मारते हैं, उसको भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए NRB लगा देते हैं, पिन है, NRB पिन लगा देंगे यहाँ पर। चलिए ये NRB पिन है इसकी,
तरीके से एक NRV पिन लगा देते हैं और इसमें CTC एंटी चोक एंटी मोस्ट डाल करके, मतलब CTC या मेथनॉल केमिकल डाल करके, यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा करके, यहाँ से दूसरा कंप्रेसर लगा करके भी लोग मारते हैं तो भी बेटर नहीं है, और यहाँ से ये निकाल देते हैं। तो यहाँ से जब प्रेशर डालते हैं, यहाँ से मारते हैं, तो ये कुछ आयल निकल जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो थोड़ा सा आयल निकलता है ना, वो आयल पाइप में 4-5% घूमता रहता है, वही थोड़ा बहुत आयल आता है। लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा आयल आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेल निकल रहा है यहाँ से, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जब वही कंप्रेसर जिससे आप फ्लेक्सिंग कर रहे हैं ना, वही कंप्रेसर से जब हीट हो जाता है तो खुद अपने अंदर कार इसमें भेजने लगता है फिर, और ये आयल निकलता रहता है। मतलब कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा फ्लेक्सिंग मारते रहते हैं और फिर उसको इतना ज़ोर ज़ोर से दाब देते हैं कि फ्रीजर भी टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा मतलब नहीं कुछ करना है आपको यहाँ पे। ये जो आपका फ्रीजर है, ये फ्रीजर में जो आयल है ना, वो आयल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कोई है कि भाई ये आपकी पाइपों को चोक कर देगा। देखिए, आयल की वजह से कभी पाइपें चोक नहीं होती हैं। आयल के अंदर की जो वैक्स अलग हो जाते हैं ना, जो नमी तरह बन जाते हैं, जो नमी के जैसा बन जाते हैं वैक्स, वही जाके यहाँ पे चोक करते हैं। तो उसको निकालने के लिए आप फ्लेक्सिंग से आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको निकालने के लिए आप फ्लेक्सिंग से नहीं निकाल पाएंगे उसको देखिए लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप प्रेशर मारेंगे, कैचरी लगी रहेगी, फिर उसके बाद यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा बहुत कालक भी लग जाती है हाथ पे, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आयल आ जाता है, तो सब सोचते हैं बड़ा आयल है, बड़ा आयल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस आयल से इसमें चोकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि पाइप आयल और गैस के लिए बनाई गई है। इस आयल और गैस की इस पाइप में घूमने से चोकिंग नहीं होती है। जब उसमें चलते चलते कंप्रेसर के, जब उस आयल के जो वैक्स हैं वो अलग हो जाते हैं, आयल से उसके वैक्स अलग हो जाते हैं, तब जाके वही वैक्स जाके यहाँ पे जमता है, तब वो चोकिंग करता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिंग एकदम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये कैथरी लगी हुई है, यहाँ प्रेशर कोई वैसा बन ही नहीं पाएगा कि यहाँ से आप उसको आयल को निकाल लेंगे। देखिए, फ्रीजर में लगा रहता है, ये फ्रीजर फ्रिज में ऊपर लगा रहता है, और यहाँ पे कैथरी जोड़, यहाँ पे एक NRV जोड़ के लोग फ्लेक्स मारते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। ऐसा कुछ भी हो ही नहीं पाएगा। देखिए, अगर आपको साफ़ करना है ना, तो ये कैथरी हटा के करना पड़ेगा। बिना कैथरी हटाए आप सोचें कि आप, हाँ अब हम एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग कर लें, तो नहीं हो सकता है। अब देखिए कैसे साफ़ किया जाता है, साफ़ करने का भी जान दी, वैसा साफ तभी हो पाएगा, वरना फिर नहीं हो पाएगा। अगर ये कैथरी यहाँ से हटाते हैं, हटाने के बाद फिर यहाँ पे यही NRV सीधा लगाते हैं, और लगाने के बाद फिर वहाँ पे आप MDC केमिकल डालते हैं, मतलब मिथाइल डाइक्लोराइड एक केमिकल आता है, जो कि इसके अंदर जो आयल जम गए हैं उसको मेल्ट कर देता है, उसको पिघला देता है। तो जब उसको डालते हैं, उसके बाद फ्रीजर को निकाल कर उल्टा पलटा करते हैं, तब जाके ये इसके अंदर जो आयल है वो आयल पिघल करके, तब यहाँ से प्रेशर मारेंगे तो यहाँ से बाहर आएगा। तो इतना चीज़ तो हम कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें? तो आपको क्या करना कि इसके आयल को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, चोकिंग आयल से नहीं हो रही है, चोकिंग आयल के वैक्स के अलग हो जाने की वजह से और जाके जम जाने की वजह से हो रही है। तो आपको करना क्या होगा कि ये जो पाइप है ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो पाइप यहाँ पे जुड़ी रहेगी, मतलब ये कैथरी यहाँ पे जुड़ी रहेगी, ये सक्शन लाइन यहाँ पे जुड़ी रहेगी, इसको जुड़े रहने दीजिए। आपको बस एक काम करना, देखिए फ्लेक्सिंग मारना ठीक है, अच्छा बेहतर है, बट आप फ्लेक्सिंग तब मारें जब आपके पास नाइट्रोजन मौजूद हो। नाइट्रोजन अगर आपके पास नहीं है तो आप एयर से फ्लेक्स एकदम ना करें, फ्लेक्सिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो कचरा है ना, ये 100 200 300 फ्रीजर को अगर आप रिपेयर करते हैं तो उसमें किसी एक या दो फ्रिज में पाइपों में कचरा आता है, बट ये बहुत कम आता है। मतलब 100 200 400 300 फ्रीजर रिपेयर करने के बाद किसी एक फ्रिज की पाइप कचरे की वजह से जाम रहेगी, बाकी सब वही आयल के वैक्स की वजह से वो जाम हो जाया करती हैं। तो आपको करना क्या है, मतलब चोक हो जाती हैं, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस ये जान जाना है कि बस हाँ भाई यहाँ पे अब चोकिंग हो गई है, मतलब चोक है सिस्टम। अगर लीकेज नहीं है, यहाँ से काटेंगे तो अगर गैस पूरी भरपूर निकलती है तो इसका मतलब भाई इसमें गैस पूरी है, गैस में नहीं कोई कमी है, ये चोक हो गई है, मतलब गैस जाम हो गई है। तो उस चोक को हटाने के लिए आपको क्या करना है, वैक्यूम पंप का यूज करना है। वैक्यूम पंप मतलब कंप्रेसर का नहीं, बस यहाँ से आपको क्या करना है, ये फिल्टर ड्रायर फिल्टर निकालना है, यहाँ पे नया ड्रायर फिल्टर लगाना है सिर्फ, और लगाने के बाद आपको क्या करना है, वैक्यूम करना है, फ्लक्स एकदम नहीं मारना है। आपके पास अगर नाइट्रोजन है तो मारिए, ये बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो एयर से एकदम फ्लेक्सिंग आपको करनी ही नहीं है। अगर फ्लेक्सिंग करेंगे तो फिर वही अंदर जाके नमी पूरी जम जाएंगी और फिर आप वही कंप्रेसर फिर लगाएंगे दोबारा अगर, तो फिर वो निकाले नहीं पाएगा नमी को। तो इसलिए आपको वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है और सिर्फ ये फिल्टर जाना है वहाँ पर, अगर समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ पर अब चोक है
तो फिल्टर निकालिए, दूसरा फिल्टर लगाइए, और फिर उसके बाद इसको वैक्यूम पंप, प्रोफेशनल वैक्यूम पंप ले लीजिए आप। ये आप वैक्यूम पंप लीजिए और उस वैक्यूम पंप का यूज यहाँ पे करिए, मतलब वैक्यूम करने के लिए उसका यूज करिए, और इसके अंदर जो वैक्स रहेगा ना, इसको निकालने के लिए जो वैक्यूम पंप आप यूज कर रहे हैं, वो वैक्यूम पंप इसके अंदर के वैक्स को उबाल के भाप बना करके इसको बाहर निकाल के लेके चला आएगा, जिससे कि ये पाइप पूरी साफ़ हो जाएंगी। तो फिल्टर तो चेंज ही कर देंगे, पाइप में जो भी आयल रहेंगे, जो भी आयल के वैक्स रहेंगे, और जो भी पाइपों में कोई ऐसा नमी अनकंडेंसेबल गैस रहेगी, कोई बाहरी गैस रहेगी, उस सारे गैस और नमी को लेकर के ये बाहर निकल जाएगा, मतलब बाहर निकाल देगा, अपने आयल में वैक्यूम पंप ले लेगा। और जब ये पूरा वैक्यूम हो जाए, -30 पे सुई अच्छी तरीके से आ जाए, 10-15 मिनट चलाइए, जब 10-15 मिनट हो जाए तो फिर आपको यहीं पर गैस चार्ज करना है, फिर यहाँ पर आपको पिंच कर देना, या फिर अगर NRV से लगा रहे हैं चार्ज कर रहे हैं तो फिर NRV जो है उसमें कैप लगा देना है। तो इस तरीके से ये सिस्टम आपका बेहतरीन तरीके से काम करेगा, आपको फ्लक्स मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप पहले से ये काम कर चुके हैं कि फ्लैक्सिंग मारना, इसमें आपकी टाइम भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर उसके बाद लास्ट में चौक हो जाता है, फिर दोबारा फ्लैक्सिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्लियर बता रहा हूँ, हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं कि फ़िल्टर को निकालते हैं, दूसरा फ़िल्टर लगाते हैं, वैक्यूम करते हैं, सिर्फ वैक्यूम पंप अच्छी तरीके से, फिर उसमें गैस चार्ज करते हैं, परफेक्ट ये कूलिंग करता है। अगर इसके बाद भी कूलिंग नहीं आती है तो ये समझिए कि हो सकता है कि पाइप कहीं जाम हो गई, मतलब ये हमने पाइप जाम का मतलब क्या है कि हमने जो ब्रेजिंग किया है फिल्टर के पास, तो लग रहा है इसमें कोई पाइप जाम हो गई, इसके वजह से ये नहीं आ रहा है, मतलब ये वैक्यूम करने के बाद भी गैस चार्ज कर रहे हैं तो फिर चौक हो जा रही। तो आप इसको क्या करना है, इसको खोलना है, क्या करना है, इसको लाइन को, इस वाले को खोलना, पहले गैस को निकालना, फिर इसको ब्रेजिंग वेल्डिंग स्टार्ट से इसको खोलना है, इस पाइप को खोलने के बाद फिर इसको चलाइए, थोड़ा चलाने के बाद ये देखिए कि यहाँ से जो गैस है निकल रही है कि नहीं, यहाँ पे गैस आ रही कि नहीं। अगर यहाँ पे गैस, मतलब एयर आती है यहाँ पे घूम के, तो इसका मतलब पाइप अब ये सही है, लास्ट स्टेप, अब आपका क्लियर हो जाएगा सिस्टम। अगर यहाँ पे आती भी है उसके बाद भी चोक हो गया सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, अब ये समझ लीजिए 100% क्लियर ये हो गया कि इसका जो आयल है ना, कंप्रेसर के अंदर जो आयल है ये डस्टी हो गया है, ये ख़राब हो गया है, इसमें मॉइस्चर आ गए हैं। अब ये ख़राब होने की वजह से यही मॉइस्चर उठ उठ के जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे जाके जाम कर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसके आयल को चेंज करना है, आयल को चेंज करके नया आयल डालना है इसमें, उसके बाद फिर इसको लगाना, वैक्यूम करना, 100% ये सिस्टम आपका एकदम सही हो जाएगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा, मतलब बेहतरीन तरीके से कूलिंग करेगी, ये जो आपका फ्रिज है ये एकदम अच्छी तरीके से कूलिंग करने लगेगा, और एक भी बार ये फिर चोक इधर नहीं होगा। कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल आराम से आपकी गैस ये चल जाएगा, जो इसमें आप डाले रहेंगे बिना अगर लीकेज ना हो तब। तो आपको फ्लैक्सिंग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको कंप्रेसर का प्रयोग वैक्यूम करने के लिए नहीं करना है, बस आपको किसका प्रयोग करना है, जो आपके पास वैक्यूम पंप है उसका वैक्यूम उसी से करना है, तभी वो अच्छी तरीके से इसके अंदर के जो नमी है उसको निकाल पाएगा, वरना फिर आप नमी नहीं निकाल पाएंगे सही तरीके से, फिर दोबारा वो चोक हो जाया करेगी और आप परेशान रहेंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चीज़ को आप फॉलो करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा सही तरीके से कि मतलब कैसे, अगर नहीं करेंगे फ्लैक्सिंग, आपके माइंड पहले से ये सेव है कि भाई फ्लैक्सिंग करते हैं तो आयल निकलता है, ये निकलता है, वो निकलता है, तो सबको हटा दीजिए, एक बार आप वैक्यूम पंप खरीद लीजिए। आपको सिर्फ इतना करना, जाके फ्रिज को देखना, और देखने के बाद हाँ भाई उसमें चोकिंग है लेकिन कुछ भी है, उसको आप सही करने के बाद फिर उसमें आपको जब गैस चार्ज करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस फिल्टर को हटाइए, नया फिल्टर लगाइए, यहाँ से वैक्यूम करिए, और वैक्यूम पूरा अच्छी तरीके से करने के बाद उसमें गैस चार्ज करिए, 100% सिस्टम आपका कूलिंग करेगा, 100% एक ही बार में ये परफेक्टली कूलिंग करने लगेगा, आपको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सोचेंगे हाँ यार ये तो सही है, तो आप उसी तरीके से काम करने लगेंगे। पहले हम लोग भी इसी तरीके से करते थे कि मतलब फ्लैक्स मारते थे, आधे आधे घंटे, एक घंटे, डेढ़ घंटे फ्लैक्स मारते थे, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता था, लास्ट में पाइप जाके चोक हो जाती थी, फिर दोबारा वही सब 2-3 बार कस्टमर घर जाना पड़ता था। तो जब हमने इस वैक्यूम पंप का यूज किया, और वैक्यूम पंप का यूज करके जब हमने पढ़ा, उसके बारे में स्टडी की, थोड़ा सा जाना अच्छी तरीके से, तब समझ में आया कि रीजन क्या है चोक होने का। तो फिर उसके बाद हमने उसी काम को अपनाया, मतलब फ़िल्टर निकालें, इसमें जोड़ें, जोड़ने के बाद वैक्यूम अच्छी तरीके से किए, गैस चार्ज किए, परफेक्ट तरीके से ये कूलिंग करने लगा, और इसी तरीके से आज हम लोग काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस आ रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से गैस चार्ज करना है, कोई फ्लैक्सिंग वगैरह नहीं मारनी है। फ्लैक्सिंग मारिए तब जब आपके पास नाइट्रोजन नहीं है, तो आपको एयर से फ्लैक्स मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरीके से आप भी गैस चार्ज कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। तो एक बार आप इसको ट्राई करें, बेहतरीन सिस्टम है ये।